अल्हम्दुलिल्लाह मशीकोलॉजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम अस्सलाम वालेकुम दिस इज मिस्टर बाबर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी मुस्लिम साइंटिस्ट एंड दी मुस्लिम साइंटिस्ट इज वन डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो दोस्तों आज डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इसको इस तरह लेते हैं कि हम इसको सुनेंगे समझेंगे और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखेंगे। तो इनके हम फोर या फाइव इनके जो ना पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि ही वॉज बोर्न इन 1926 अ स्मॉल सिटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड जंग। तो ये जंग में पैदा हुए 1926 में, जो कि पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर। नंबर वन। नंबर टू, ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ये अपने ये बचपन से बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लें। तीसरा पॉइंट ले लीजिए, ही प्रेजेंटेड द ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इन 1979। इन्होंने 1989 में ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश करी, सही ना। फॉर हिज बेस्ट वर्क अ नोबेल प्राइज इज गिवन टू दी डॉक्टर अब्दुल सलाम। इनके इस बेहतरीन कारनामे पर इन्हें नोबेल प्राइज दे दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इनका जो हम चौथा पॉइंट लेते हैं वो सर इन्हें ही इस्टेब्लिश दी थ्योरेटिकल सेंटर ऑफ फिजिक्स एट टेस्ली इन इटली। इटली में टेस्ली के मुकाम पर इन्होंने फिजिक्स का एक थ्योरेटिकल सेंटर खोला, ठीक है। ये कारनामा हो गया। अच्छा, एक होता कि ही वॉज अवार्डेड फॉर हायर स्टडीज इन यूके। ये इतने ज़्यादा जहीन थे कि इनको अवार्ड इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली यूके हायर स्टडीज करने के लिए भेजा। नोबेल कटन चले पॉइंट साहब सुनिए और समझ लीजिए।